अब हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमें विस्कोसिटी दिया हुआ है हीलियम का 18.6 × 10⁻⁶ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये यूनिट होता है, आप सेम उसी तरीके से चेक कर सकते हो यूनिट्स। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था नीटा के लिए? नीटा के लिए नहीं, हम इसके लिए देखते हैं फोर्स जो था हमारा फ्रिक्शन फोर्स, वो किसके इक्वल था? माइनस नीटा इंटू ए डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई। यहाँ से देखिए ये न्यूटन, ओके, और यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो ये मीटर आ जाता है। ओके, और यहाँ यहाँ से अगर चेक करूँ तो ये आपका मीटर पर सेकंड है। सो ये यहाँ पर कितना हो जाता है? मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सेकंड, सेकंड कहाँ था? मीटर पर सेकंड यहाँ था, सेकंड डिवाइड में था, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो जाता है। नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है जो नीटा है वो तो हमें दिया है, बट हमें फाइंड आउट करना है थर्मल कंडक्टिविटी, इट मीन्स के हमें फाइंड आउट करना है। के और जो नीटा है उसके अंदर हमारे पास क्या रिलेशन था कि के एम डिवाइडेड बाई सी वी इंटू नीटा इज इक्वल टू 1 आया था, रिलेशन हमने चेक किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। हमें चाहिए के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वी नीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 kg पर किलो मोल। सो यहाँ से हमें वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से देखिए एन का वैल्यू नीटा, नीटा हमको दिया हुआ है, ओके, एन के एस में यूनिट्स रखना है सभी। सी वी का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया गया है 4 kg पर किलो मोल। किलो मोल से किलो मोल आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का यूनिट है वो सेम रखना है, किलो मोल किलो मोल। के का जो वैल्यू है वो अगर आप फाइंड आउट करोगे हमें मिलता है 5.8 × 10²⁻². यहां से लिमिट चेक करें तो जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन, ये आपका यूनिट हो जाता है इसका। सो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें ऑक्सीजन एटम के लिए हमें जो उसका विस्कोसिटी कोफिशियंट है वो दिया गया है 1.95 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जो विस्कोसिटी ऑफ डिफ्यूजन है वो हमें दिया गया है 1.22 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जो एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो हमें दी गई है 440 मीटर पर सेकेंड। हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है और हमें उसका मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास नीटा और डी है, दोनों का एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? नीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 1/3 एम एन वी बार लैम्डा। ओके, इसको हम डेंसिटी लिख देते थे, और यहां से डी का एक्सप्रेशन क्या था, 1/3 वी बार इंटू लैम्डा। सो हम क्या कह सकते हैं कि डी इंटू रो इज इक्वल टू किसका इक्वल होगा, नीटा के। सो यहां से हम क्या डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू नीटा डिवाइडेड बाई डी, जस्ट आप डिवाइड करना है और कुछ नहीं है, दोनों के यूनिट सेम के एस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो रो का जो भी वैल्यू आएगा। ओके, अब देखो रो का वैल्यू मिल गया हमें, बट हमें चाहिए लैम्डा का भी वैल्यू। लैम्डा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है क्या लैम्डा? यहाँ पर हमारे पास लैम्डा फाइंड आउट करना है, वी बार हमें पता है और डी हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे निकल जाएगा। और कोई मेथड है? यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो डेंसिटी हमें मिल गया, वैसे तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, कैसे कि जो नीटा है वो इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार लैम्डा है, लैम्डा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, रो हमको मिल जाएगा यहाँ से। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू नीटा डिवाइड नीटा थ्री नीटा डिवाइडेड बाई रो वी बार, यहाँ से निकल सकता है।
और यहाँ से भी निकल सकता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 d डिवाइडेड बाई v बार। आप कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लैम्डा का भी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। रो जो है वो हमारे पास आता है 1.6 kg पर मीटर क्यूब। लैम्डा का जो वैल्यू है वो हमारे पास आता है 8.32 × 10^-8 मीटर। सो दोनों वैल्यूज आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। ओके अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि मास ऑफ नाइट्रोजन डिफ्यूजिंग थ्रू एन एरिया, इस एरिया से जाने वाला मास हमें फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन गैस का, जो कि 10 सेकंड तक फ्लो होता है, 10 सेकंड तक डिफ्यूज होता है इस एरिया से, और हमें दिया गया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, डेंसिटी ही तो होती है एक तरीके से। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेल रो डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, सपोज वाई डायरेक्शन में है, देन ये डेंसिटी ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.26 kg पर मीटर। और सॉरी यहाँ पर आपका पर अगर हमने कर दिया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सो 1.26 kg/m²। ओके यहां से आप यूनिट से भी चेक कर सकते हो कि डेंसिटी ही है ये। ओके सो ये हमें वैल्यू मिल जाती है। देन क्या बोल रहा है, लैम्डा हमको दिया हुआ है मीन फ्री पर 10^-7 मीटर है, और एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो 480 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। अब हमें फाइंड आउट करना है मास। ओके सो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, इट मीन्स यहां पर जो एक तरीके से कंसंट्रेशन की टर्म्स में बोले, देन हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कितने होते हैं, इसका जो वैल्यू है वो कितना आता है, 1/3 v⁻ लैम्डा, और यहां पर ग्रेडियंट आता था किसका, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके अब यहां पर ये वाला जो डेंसिटी है और ये जो डेंसिटी है दोनों में फर्क है, दोनों है तो दोनों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पर देखिए थोड़ा हम इसको चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ये हमारा नंबर डेंसिटी है पर यूनिट डिस्टेंस, और ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स डेंसिटी डेंसिटी पर यूनिट डिस्टेंस है, दोनों में फर्क है, हम दोनों को एक ही नहीं बोल सकते। अब देखिए यहां पर ये तो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, बट अगर हम मुझे स्मॉल एम पता हो, स्मॉल एम क्या होता है आपके एक मॉलिक्यूल का मास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं हमारे, एक का मास हमें पता है, टोटल मास हमें पता लग सकता है, इट मींस मास फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से चेक कीजिए, स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 v⁻ लैम्डा स्मॉल एम डेल एन डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। अब यहां से चेक कीजिए, हमें पता था कि डेंसिटी एम इंटू जो नंबर डेंसिटी है वो हमारी रो के इक्वल हो जाती है, बिकॉज एम इंटू इसको नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कर सकता हूँ, ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जो कि हमारा डेंसिटी होता है। सो यहाँ से एम और इसको मैं अगर इंक्लूड करूँगा अंदर, 1/3 v⁻, और यहाँ से हो जाता है लैम्डा, और ये आपका डेल रो डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई आ जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है कि कितना आपका डेल रो डिवाइडेड बाई डेल वाई है, जो कि हमें वैल्यू दिया गया, ये रहा लैम्डा हमें दिया गया और वॉल्यूम हमें दिया गया। सो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए मास फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगा, और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है नाइट्रोजन के लिए डिफ्यूजन हो रहा है इतने एरिया से और इतने टाइम तक होता है, तो मास कितना फ्लो होगा ये फाइंड आउट करना है ना। सो इतना टाइम है, इतना हमें एरिया दिया गया है। सो हम क्या करेंगे, मास जो है जो अमाउंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो हमें मिलेगा, सपोज हमें एक्स क्वांटिटी मिलती है, सो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू जो एरिया दिया गया है हमें 10^-2 m²
इनटू टाइम दिया गया 10 सेकेंड, दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें डायटोमिक गैस दिया गया है। ओके, X2 से हमने रिप्रेजेंट किया, जिसका जो मोलर मास है वो 29 ग्राम पर मोल है। मोलर मास हो जाता है 29 ग्राम। इसको हम केजी में चेंज कर सकते हैं 10^-3 से मल्टीप्लाई करके। हमें विस्कोसिटी कोफिशियंट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और आपका जो डिफ्यूजन कोफिशियंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। और आर का वैल्यू दिया गया है, लैम्डा हमें दिया गया है, मीन फ्री पाथ इतना है, वी हमको दिया गया है, और जो डेंसिटी है वो हमें दिया गया है उस गैस का। सो डेंसिटी इट मीन्स किसी एक्सप्रेशन का डेंसिटी में जरूर एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। ओके, सो इतनी क्वांटिटीज हैं हमारे पास, तीनों क्वांटिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं हमारे पास कितना आता है। नीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 1/3 mn v bar इंटू लेमडा। के हमारा आता है CV/3 ρ/M मोलर मास और आपका v bar और लेमडा। और उसी तरीके से आपका जो डी है, डी के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन है 1/3 और यहाँ से वी बार और लैम्डा। अब हम तीनों एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ से mn को मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं नीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन से देखिए, स्पेसिफिक हीट यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, मोलर मास ठीक है हमारे पास, और सारी क्वांटिटीज हैं हमारे पास। डी हमें निकाल सकते हैं कैसे। ओके, स्पेसिफिक हीट डाई एटोमिक गैस है, इसलिए कितना होता है डाई एटोमिक के लिए, 5/2 R की स्पेसिफिक हीट आ जाता है। यहाँ पर नीटा इज इक्वल टू 1/3 रो, रो हमारा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, एम के एस में वैल्यू दिया गया, कोई बात नहीं है। वी बार है वो हमारा एम के एस में है, लैम्डा हमारा एम के एस में, वैल्यू पुट करो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से के में 5/2 R, R का वैल्यू 8.31 J/mol, रो का वैल्यू दिया गया, वी बार का वैल्यू दिया गया है, लैम्डा का वैल्यू दिया गया, एम जो है वो यहाँ पर केजी में चेंज कीजिए, होगा 29 × 10^-3, ये केजी में हो जाता है, वैल्यू पुट कीजिए। और डी का वैल्यू वी बार और लैम्डा दिए गए हैं, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, अगर आप वैल्यूज को क्रॉस चेक करना चाहते हो तो जो विस्कोसिटी कोफिशियंट है उसका वैल्यू आता है 1.26 × 10^-5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है उसका आता है 9.07 × 10^-3 J/m/s/K। और जो डिफ्यूजन कोफिशियंट है उसका आता है 9.8 × 10^-6 m/s/s। ओके, सो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेशन करके, सिंपल कैलकुलेशन करना है, सारी क्वांटिटीज आपके एम के एस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें डेंसिटी दिया हुआ है किसी गैस का 1.6 kg/m³, एवरेज स्पीड हमें 480 m/s दिया गया है, लैम्डा हमें दिया गया है 10^-8 m, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 32 g/mol, एंड हमें दिया गया गामा। गामा क्या होता है, गामा आपका नॉर्मली होता है CP/CV, जो रेशियो होता है हीट कैपेसिटीज का, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आर हमें दिया गया है 8.31 J/mol/K। अब इनकी हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, हमें फाइंड आउट करना है के। के का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था कि के इज इक्वल टू F/6। ओके, यहां पर हमारे पास था KBNV/λ। ओके, और यहां से अगर हम चेक करें तो अगर मैं दोनों तरफ NA का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, देन यहां से क्या कह सकते हैं। अब देखिए, NA इंटू KB हमारा R की तरफ
चला जाता है। तो हमारे क्या कह सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाई टू आर लिख दूं, अगर एक सेक्शन अलग बना दूं इसका, देन 1/3 हमारे पास वैल्यू क्या क्या रह जाता है, एन वी बार लेमडा डिवाइडेड बाई एन ए। ओके, अब देखिए, अगर आप ऊपर नीचे मास स्मॉल एम का मल्टीप्लाई कर दो, ये जो है ये आपका मोलर मास हो जाता है कैपिटल एम, और एन इंटू एम जो है वो हमारा डेंसिटी बना लेता है, एम इंटू एन इज इक्वल टू डेंसिटी होता है, बिकॉज एम इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई वी, ये आपका टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इट मीन्स डेंसिटी, और ये आपका मास होता है एक एटम का, और एक मोल में आपके होते हैं एन ए पार्टिकल्स, इट मीन्स ये जो है ये आपका एक मोल गैस का मास हो जाता है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यू आते हैं, के इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है, 1/3 सी वी हमारे पास हो जाता है, और वहाँ से हमारे पास डेंसिटी आएगा, लेमडा आएगा, वी बार आएगा, और क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ये सारी क्वांटिटीज। अब देखिए, रो हमें दिया गया है क्या, हाँ रो हमें दिया गया, एम के एस में वैल्यू है, लेमडा का भी वैल्यू है एम के एस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम भी हमें 32 दिया गया, 32 × 10⁻³ kg एम के एस में चेंज हो गया, स्पेसिफिक हीट का प्रॉब्लम आता है कि इसके वैल्यू कितना होगा। ओके, सो हमें यहाँ पर गामा दिया गया है और हमें कुछ नहीं दिया गया, गामा इज इक्वल टू 1.4 दिया गया। अब देखिए, ये है ये आपका सीपी डिवाइडेड बाई सीवी है। ओके, बट इसका वैल्यू कितना होता है, इसका कितना होता है एफ डिवाइडेड बाई टू आर, इसका कितना होगा एफ डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, इतना ही तो होता है। ओके, अगर आप चेक करोगे देन ये कितना होता है आपका एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई एफ, ये वैल्यू होगा इसका। ओके, अब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखिए एफ का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है, यहां पर रखिए आप 3 रखिए, मिनिमम केस तो 3 होता है ना मोनोएटोमिक गैस के लिए, 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाता है इसका वैल्यू, इसका होगा 1. और यहां से 2 रह गए 20, और यहाँ से 6 टाइम्स गया तो 1.6 समथिंग करके वैल्यू होगी, तो ये नहीं है, नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट होता है आपका वैल्यू 5, 5 देखिए 5 यहाँ पर 7 / 5 यहाँ पर आ जाता है 7/5, सो 5 यहाँ पे करेंगे तो 5 बन जाए 5, यहाँ से 2 रह गए 0.04, 1.4 वैल्यू, हाँ ये मैच करिए हमारी। ओके, यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यूज मैच कर गई, 1.4 और 1.4, सो हमें पता है एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 5, सो यहाँ से हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसका कितना 5/2 r, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, सारी क्वांटिटी आपको एम के एस में लेके चलनी है और आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। इसका जो वैल्यू अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो इसका वैल्यू आएगा 13.31 × 10⁻³ जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन, क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेशन करके। ओके,